हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आज है थर्सडे, अपने Q&A का दिन, यानी कि आप सबके क्वेश्चंस के आंसर देने का दिन। और हमेशा की तरह आप सबने काफी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जिनका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और जिन्हें भी नहीं पता आप सब अपने क्वेश्चन मुझसे किस तरह से पूछ सकते हो, देन आप इस वीडियो के साथ साथ आने वाले थर्सडे तक की किसी वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चन नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मैं उसे नेक्स्ट Q&A में लेने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है एंड शुरुआत कर लेते हैं अपने सबसे पहले से, जो कि हमसे पूछा साहिल भाई ने। भाई सेथ स्मैकडाउन में है और बैकी भी स्मैकडाउन में है, तो क्या हमें बैकी और सेथ के बीच कुछ देखने को मिल सकता है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो अगर आप सब चैनल से जुड़े हुए होंगे देन आप सबको पता होगा बैकी लिंच ने खुद जाकर WWE से अपने हील कैरेक्टर की डिमांड की, यानी कि वो चाहती है WWE में एज अ हील परफॉर्म करना। और जैसा कि आप सबको पता ही, अपने फॉर्मर मंडे नाइट मसाया और करंट स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस भी एक हील है, एंड जब वो प्रोमो कट करते हैं देन लोग बैकी के चैट लगाते हैं, तो क्या पता WWE इनके बीच हमें कुछ ना कुछ दिखा दे, जरूर से ये टीम वाली चीज ही होने वाली है। और मैंने एक स्मैकडाउन में नोटिस किया था कि सेथ रॉलिंस प्रोमो कट कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि लोग बैकी लिंच के चैंट लगाए, इसलिए चांसेस तो है सेथ और बैकी जब स्मैकडाउन में दोनों ही ले तो इनके बीच हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। अब लेट्स सी WWE ऐसा कुछ प्लान करती है या फिर नहीं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विराट सोनी की तरफ से, क्या गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लेस्ली का रीमैच हमें क्राउन जूल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बॉबी लेस्ली ने उनके बेटे पर अटैक किया था। तो आप सबको पता है समर स्लैम के पेपरव्यू में बॉबी लेस्ली ने इंजर्ड कर दिया था गोल्डबर्ग को और रिटेन कर ली थी अपनी WWE चैंपियनशिप, एंड इस वीक के रॉ में उनका अलग ही सीन देखने को मिलने लगा सेमस एंड डायमंड प्रीस्ट वगैरह के साथ। बट गाइस, आप सबको बता दूं WWE ऐसा इसलिए कर रही है ताकि एक्सट्रीम रूल्स तक वो टाइम पास कर सके, एंड एक्सट्रीम रूल्स के बाद होगा रिटर्न अपने गोल्डबर्ग का, एंड वो फिर से चैलेंज करेंगे बॉबी लेस्ली को WWE चैंपियनशिप के लिए सऊदी अरेबिया के इवेंट क्राउन जूल में, जो कि होने वाला अक्टूबर में। इसलिए गाइस, गोल्डबर्ग और बॉबी लेस्ली का रीमैच जरूर से देखने को मिलेगा। अब लेट्स सी, जब ये मैच क्राउन जूल में हो रहा है तो क्या हमें कुछ शॉकिंग रिजल्ट निकलते हुए दिखता है या फिर नहीं। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमसे पूछा हर्षल भाई ने। #Q&A हिमांशु है, ब्रॉक लेसनर का लुक चेंज हुआ है तो क्या उनका रिंग गियर भी चेंज होगा, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। अब जैसा कि आप सबको पता है ब्रॉक लेसनर बिल्कुल न्यू लुक में आए स्मैकडाउन में, एंड बहुत लोग डीन एम्ब्रोस से उन्हें कंपेयर कर रहे हैं उनके आउटफिट को देखकर। लेकिन बात की जाए कि क्या उनका रिंग गियर हमें चेंज होते हुए दिख सकता है, देन गाइस इसके चांसेस अच्छे खासे हैं। ब्रॉक लेसनर के रिंग गियर में जरूर से कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले। अब वो क्या चेंजेस होते हैं वो तो हमें तभी पता चलेगा जब ब्रॉक लेसनर रिंग में कम्पीट करेंगे, लेकिन हाँ जरूर से कुछ ना कुछ डिफरेंट होने वाला। अब वो डिजाइन में हो सकता है या फिर क्या पता पूरे के पूरे आउटफिट में, एंड इसके लिए हमें शायद से थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो पूछा युवराज चौहान ने, ब्रो ब्रायन हमें किस कंपनी को साइन करते हुए दिखेंगे। तो अगर आप AEW को फॉलो करते होंगे देन आप सबको पता होगा CM Punk ने AEW Dynamite में भी अपना डेब्यू कर लिया है, तो उनके प्रोमो में यस यस का चैंट लग रहा था, तो उन्होंने इस चीज पर रिस्पॉन्स करते हुए कहा कि इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो गाइस, यहां से CM Punk ने एक तरह से क्लियर हिंट दे दिया, जो भी अपडेट्स निकल कर आ रही है कि डैनियल ब्रायन साइन हो चुके AEW के साथ वो बिल्कुल ट्रू है, यानी कि गाइस आप सबको थोड़ा टाइम और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद डैनियल ब्रायन हमें AEW में ही देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी कि उनका AEW में करियर कैसा रहता है। इसके बाद जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ध्यान दिशान ने, भाई जॉन सीना का रिटर्न कब होगा। तो अगर आप सबने लास्ट वीडियो देखी होगी देन आप सबको पता होगा जॉन सीना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू ट्वीट करते हुए कहा कि अभी के लिए तो वो जा रहे हैं बट वो काफी जल्द वापस आने वाले, यानी कि गाइस इस ईयर तो आप सबको जॉन सीना वापस से देखने को नहीं मिलने वाले, बट मुझे ऐसा लगता है कि WrestleMania 38 का पार्ट वो जरूर से होने वाले, बट ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा वो वहां पर कोई मैच रेसल करते या फिर उनकी एक नॉर्मल अपीयरेंस होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैनल की तरफ से, हिमांशु भाई आप बता सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर रोमन के साथ होगा या फिर फेस करेगा, एंड सेकंड क्वेश्चन है सेथ रॉलिंस का अगला चैलेंजर कौन होगा। तो भाई आप में से काफी सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई जब ब्रॉक लेसनर ने समर स्लैम के पेपर व्यू में रोमन रेंस पर अटैक नहीं किया बल्कि जॉन सीना पे आकर किया बाद में, तो क्या वो रोमन रेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज अगर WWE कुछ बड़ा सॉकर पुल करती है देन तभी हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता, नहीं तो इसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने भले समर स्लैम में अटैक नहीं किया रोमन रेंस पर, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से समझ आ रहा था उन्हें चाहिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और वही बात रही कि आखिरकार उन्होंने जॉन सीना पर क्यों अटैक किया, देन ये चीज तो ऑफ ईयर जाने के बाद हुई, और ये इसलिए हुआ ताकि वहां बैठे फैंस को थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल पाए, यानी कि ब्रॉक लेसनर आते और चुपचाप चले जाते थे, उन्हें ज्यादा मजा नहीं आता, इसलिए ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस एक टीम में आएंगे, इसके चांसेस थोड़े कम है। अगर WWE कुछ बड़ा करती है तभी हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। वहीं सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए कि सेथ रॉलिंस का अगला चैलेंजर कौन होगा, तो इस वीक के स्मैकडाउन में हमें ये क्लियर हो जाएगा कि क्या सेथ रॉलिंस और एज की फ्यूड खत्म हो चुकी है। वैसे एज को रॉ के सुपरस्टार की तरह फीचर किया जा रहा है WWE शॉप में, यानी कि वो हमें शायद से अब मंडे नाइट रॉ वापस जाते हुए दिखने वाले, एंड सेथ रॉलिंस
का कोई न्यू चैलेंजर आने वाला है। अब लेट्स सी कि वो होता कौन है। एंड भाई मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अब भाई सेथ रॉलिंस को WWE ना हरवाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवेर हुसैन की तरफ से, क्या अब सेथ और रोमन दोबारा एक साथ होंगे बीस्ट के खिलाफ? तो गाइज अगर आप चैनल से जुड़े हुए होंगे देन आप सबको पता होगा कि सेथ रॉलिंस ने अपने इंटरव्यू में ये साफ कहा था कि वो समर स्लैम के बाद जाने वाले सीधा रोमन रेंस के पास एंड वो चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। बट हम सब देख क्या रहे हैं, अभी ब्रॉक लेसनर आ चुके रोमन रेंस के एक तरह से नेक्स्ट चैलेंजर के रूप में। तो लास्ट टाइम जब एज आए थे उनके और रोमन के बीच तो आप सबको पता ही है क्या कुछ हुआ, तो क्या पता इस बार जब ब्रॉक लेसनर आए उनके एंड रोमन के बीच तो हो सकता है हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। अब चांसेस तो थोड़े कम है, ये चीज हमें तभी देखने को मिल सकती है अगर WWE एक्सट्रीम रूल्स के पेपर व्यू में सेथ वर्सेस रोमन का मैच करवाए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एंड दोनों मिलकर अटैक कर आउट कर दे ब्रॉक लेसनर को एटलीस्ट एक्सट्रीम रूल्स तक, ताकि जब एक्सट्रीम रूल्स के बाद ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो देन उनका और रोमन का मैच बुक होता हुआ दिखे क्राउन जूल के पेपर व्यू में। सो लेट्स सी कि क्या अगेंस्ट सेथ रॉलिंस रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर आमने सामने आते या फिर इनके बीच हमें कुछ देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो गाइस आज की हमारी Q&A यहीं तक थी। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया होगा, अगर जवाब नहीं भी दिया देन ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, हमारे ये Q&A वीकली रहता है, आप सब अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।